गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पिज्जा। तो पहले हम लेंगे पिज्जा पेस्ट। मैंने इसको गर्म करके 2 सेकंड के लिए इसमें इसको रख दिया है गर्म होने के लिए। और फिर हम इसको ये लगाएंगे पिज्जा सॉस। और फिर हम लेंगे स्पून को हम इसको ऐसे इसमें मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे लिए है कैप्सिकम, टमाटो, ऑनियन और चीज़ ने। अब मैं इसको इसके ऊपर डाल दूँगा।
तो हमें इसको 5 मिनट के लिए ढकना है। तो गाइस ये हमारा पिज्ज़ा बहुत ही यम्मी बनने वाला, बहुत ही टेस्टी। इसको हम अगर हम इसको 10 या 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही ढक देंगे। तो गाइस अगर आप यही बना रहे हैं घर पे, तो अगर आपको लगे कि ये पीस मेल्ट होने लगा है, तो थोड़ा सा इसको उठा के देख लीजिए। देखिए मैंने भी उठा लिया है, तो ये मेल्ट हो गया है थोड़ा सा। अब तो ये तो बहुत यम्मी बनने वाला है। अब हम थोड़ी देर के लिए और इसको ढक देंगे। तो गाइस देखिए हमारे ये पिज्ज़ा यहाँ से थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। देखिए मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, यहाँ से देखिए मेल्ट हो गया है। अब थोड़ी देर के लिए इसको और ढक देंगे। ये हमारा बहुत ही यमी टेस्टी और बहुत ही बढ़िया पिज्जा बनने वाला है गाइस। तो गाइस देखिए हमारी पिज्जा बन चुका है, रेडी है। बहुत ही यमी दिख रहा है, वाओ, मेरा तो अभी से खाने का मन कर रहा है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले लिया है पिज्ज़ा पेस्ट, उसके ऊपर सॉस, चिली सॉस, उसके ऊपर ऑनियन और कैप्सिकम और टमाटो, और उसके ऊपर मेयोनीज। तो गाइस ये तो हमारा बहुत बढ़िया लगने वाला है। Thank you.
तो ये हमारा पिज्जा बन चुका है। अब हमें इसको खा के देखना है। बाय गाइस, बाय गाइस।